हेलो डियर्स एबे हम डिस्कस करिवा डायमेंशन फार्मूला रो जो सब प्रॉपर्टीज अछि तले प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन फार्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन फार्मूला रो कोन-कोन प्रॉपर्टीज अछि। प्रथम प्रॉपर्टी देखो हमें जते बडे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन फार्मूला बाहर करू छे जे सेइटा माने मो कहिबा कथा को बुझो जदि मु वर्क रो डायमेंशन फार्मूला बाहर करियो वर्क जानते f into s त वर्क रो डायमेंशन फार्मूला को बाहर कला बेला हम कहबा फोर्स रो डायमेंशन फार्मूला इनटू डिस्प्लेसमेंट रो डायमेंशन फार्मूला सो दैट कोइ परिया केते mlt - 2 डिस्प्लेसमेंट बाय l त हेला केते ml स्क्वायर t - 2 देखो तेतर वर्क रो डायमेंशन फार्मूला पाइले ml स्क्वायर t - 2 तो सेमिति आउ के अर्थात यदि तुम को आला है m l स्क्वायर t माइनस 2 डा कार में चिन्ह तुम कोन करबो ना तुम कह दो वर्क रो तो सेमिति किसी निर्दिष्टता न था। प्रथम कथा अर्थात गुटे डायमेंशन फार्मूला जे यूनिक सेमिति किसी माने नहीं किंतु गुटे फिजिकल क्वांटिटी गुटे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन फार्मूला पाइली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज यूनिक अर्थात वर्क रो मास लेंथ टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी अनुसार जेबे भी तमे बाहर करबो डायमेंशन फार्मूला से सब बेले बाहरबो m l स्क्वायर t माइनस 2 किंतु फार्मूला बस एटा पर सर आपण एटा केमति कहले एमति केमति आला ना एमति केमति आला वर्तमान में देखो आउटे क्वांटिटी लिखली जहां पर हमें पड़ी दिले टॉर्क ठीक है टॉर्क छाड़ो एनर्जी को आसु एनर्जी देखो तमे काइनेटिक एनर्जी पढ़ी छो तो काइनेटिक एनर्जी रो एक्सप्रेशन थिला हाफ एम इनटू वी स्क्वायर ठीक ना बोल ठीक तले हाफ एम के मास इनटू मुकली के लिख देली वेलोसिटी रो स्क्वायर अरे यदि डायमेंशन फार्मूला को काइनेटिक एनर्जी मांगी वो ताले कोइबा कोन ना ए मास रो डायमेंशन फार्मूला इनटू वेलोसिटी स्क्वायर रो डायमेंशन फार्मूला अर्थात मास रो डायमेंशन हाफ रो डायमेंशन फार्मूला नहीं काई जे कांस्टेंट क्वांटिटी रो डायमेंशन फार्मूला नहीं ओटे न्यूमेरिकल सी ठीक अछि देखो मास पाई m वेलोसिटी पाई आसीबो कोन वेलोसिटी पाई l t माइनस 1 रो होल स्क्वायर तो कोन पाइलो m l रो होल स्क्वायर l स्क्वायर t माइनस 1 टू द पावर 2 जे t माइनस 2 तो देखो काइनेटिक एनर्जी रो डायमेंशन फार्मूला भी कोन पाइलो वर्क रो डायमेंशन फार्मूला जहां पाइलो सेम के टॉर्क बोले कोके क्वांटिटी अछि तार भी डायमेंशन फार्मूला ठीक पाइबो m l स्क्वायर t माइनस 2 ताले एबे बुझी पाबे सा काई कहिले कि m l स्क्वायर t माइनस 2 टा यूनिक नो वर्क रो तो m l स्क्वायर t माइनस 2 टा जदी कार डायमेंशन फार्मूला पकेबो हम तो श्योर कंफ्यूज होबा एटा वर्क रही पारे नो काइनेटिक एनर्जी बट और एटा कोन होबा टॉर्क रही पारे तेन कोन कह रे कि ना डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ दैट बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज फिट इज ऑलवेज यूनिक तो डायमेंशन फार्मूला इज नॉट यूनिक जो हमें डायमेंशन फार्मूला दी पाए जो फंडामेंटल क्वांटिटी अनुसार है सेटा यूनिक नो दैट इज इट मे बी दैट इज सेम डायमेंशन फार्मूला सेम डायमेंशन फार्मूला मे दी बी द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जोटा मु देखे ले तो डायमेंशन फार्मूला इज नॉट यूनिक दैट इज सेम डायमेंशन फार्मूला सेम द मीटर लिख देली तो सेम डायमेंशन फार्मूला मे बी डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रो से हे पारे तो गुटे डायमेंशन फार्मूला ता जे गुटे यूनिक रो जणो करो बोली कहि देबा सेटा बो ए डायमेंशन फार्मूला डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रो हे पारे किंतु गुटे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी रो जो डायमेंशन फार्मूला दैट इज बुझेला तो सेटा भी लिखो चलो कौन लिखबा ना डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज यूनिक एटा ताले यूनिक नो जोटा रे पढ़ले किंतु डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी बा फंडामेंटल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज यूनिक नेक्स्ट कथा देखिबा जदी उडे डायमेंशन लेस क्वांटिटी को नबा तार यूनिट थाई पारे बा न थाई पारे
जदी उरे डायमेंशन लेस क्वांटिटी को नबा तार यूनिट थाई पारे बा न थाई पारे किंतु जहार यूनिट नाही तार डायमेंशन केबे आसीबो नाही मु यार एग्जांपल देली एंगल एंगल रो यूनिट होछ कोन से यूनिट ना यूनिट होछ हमें रेडियन बोली खाली पढिथिले देखो एंगल जो फिजिकल क्वांटिटी तार यूनिट रेडियन किंतु तार डायमेंशन न थाए तार डायमेंशन न थाए माने एटा उरे डायमेंशन लेस क्वांटिटी बुझियाला नै ता माने मो कहबा कत को बुझो त जहा जो उकर डायमेंशन जहार यूनिट नाही ता डायमेंशन निहाती नाही किंतु जहार डायमेंशन नाही अर्थात उके डायमेंशन लेस क्वांटिटी को जदी नेबी त यूनिट मे और मे नॉट यूनिट थाई पारे न थाई भी पारे न थिवा बडिया जिंस देखो वर्तमान पे देखो स्ट्रेन एल टी आर ए आई एन स्ट्रेन को हमें कोन कोन दी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कोन कोन दी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ तो डायमेंशन फार्मूला पर स्ट्रेन यदि बाहर करबा डायमेंशन फार्मूला स्ट्रेन यदि बाहर करबा निश्चित हमरी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी सर अपन डायमेंशन लेस कोइ केमती एम एल टी लेखु जदी अरे लेखि जे एम एल टी किंतु पावर अछि 0 जदी गुटे क्वांटिटी रो पावर 0 रहइबो तारे से न रहइबा सहित समान त एम 0 एल 0 टी 0 अर्थात डायमेंशन लेस क्वांटिटी माने यार डायमेंशन फार्मूला नाही अर्थात ट्रेन रो डायमेंशन फार्मूला नाही तार यूनिट भी नाही बुझियो छ न त यूनिट थाई पारे न थाई पारे धार डायमेंशन फार्मूला नाही तार यूनिट थाई पारे न थाई पारे किंतु धार यूनिट नाही तार डायमेंशन आसीबार भी चांस नाही बुझियला नाही ताले एटी कोन लेखि परबा यूनिट लेस क्वांटिटी डोंट हैव एनी डायमेंशन अरे डायमेंशन फार्मूला मन लिखि डायमेंशन लिख दो चार डायमेंशन फॉर्म रोइनेस ना डायमेंशन फार्मूला आसीबो डायमेंशन न रोइले केम के आसीबो डायमेंशन फार्मूला आसीबो कि त डायमेंशन रोइले जाय कि डायमेंशन फार्मूला आसी त यूनिट लेस क्वांटिटी डोंट हैव एनी डायमेंशन बट ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी may or may not have units अबे देखें जहाँ डायमेंशन फॉर्मूला ना है तार माने तो तार यूनिट ना थोड़े से किसी माने में यूनिट थाई पर कब थाई भी पाने ठीक है ठीक पर तब मैं उनके कांस्टेंट क्वांटिटी को था देख रहा कांस्टेंट क्वांटिटी रो डायमेंशन रोही पारे नो रोही पारे किंतु हमें जो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं 4, 5, 3 ये सब जो न्यूमेरिकल डायमेंशन फॉर्मूला न था ये दैट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट अदर कांस्टेंट्स लाइक हमें किसी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट नियम दी जहां डायमेंशन फार्मूला अछि जेमति कि जी तार डायमेंशन फार्मूला अछि जेमति कि एप्सिलॉन तार डायमेंशन फार्मूला अछि जेमति कि एप्सिलॉन तार डायमेंशन फार्मूला अछि तो मो कहिया कथा अछि दैट कांस्टेंट मे और मे नॉट हैव डायमेंशन फार्मूला कांस्टेंट कांस्टेंट मींस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बुझबा काहे कि ना कोन संख्या रे डायमेंशन फार्मूला ही नथाय त संख्या रे डायमेंशन फार्मूला को आसी बरे संख्या रे देखो गुटे संख्या तो कोनोसी भी फिजिकल कोनोसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रे एक्सप्रेशन हिबो त ता डायमेंशन फार्मूला को आसीबो त गुटे कांस्टेंट डॉट जो कांस्टेंट हम पढ़ते बा न्यूमेरिकल पढ़ते बा नंबर पढ़ते तार डायमेंशन फार्मूला जमा नहीं बट कांस्टेंट माने एटी को प्रकार कांस्टेंट किसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बाकी जे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ए सब कांस्टेंट ऊपर को भी तन कांस्टेंट मे और मे नॉट है डायमेंशन फार्मूला जेंती कोनी जी गुटे कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डायमेंशन फार्मूला जेंती बहुत सारा फिजिक्स रे आगो बोले देखिबो जे बहुत सारा जेंती प्रोपोर्शनल कांस्टेंट पाइबो तार डायमेंशन फार्मूला न थाई पारे बुझियो कि नमे एम जी सब अछि एउटा त्रिकोणमितीय फंक्शन ले कोनोसी भी डायमेंशन फार्मूला आसे नाही आमे साइन को कॉस को आ तो त्रिकोणमितीय फंक्शन कहले कोन जे फंक्शन अर्थ भाबी नी गुटे मेसिन मने करा जाओ ये हो जी गुटे फंक्शन या अर्थ कोन ना इटा गुटे मेसिन ये मेसिन भीतर तमे कंटा माल जी पटके पटके हो जेंति कि मने करा जाओ ये गुटे कोन अटा मने मेसिन ता भीतर बा गुटे शस्य भंगा मेसिन ए शस्य भंगा मेसिन भीतर तमे शस्य पकेले कोन पाइबो एपटे से अनुसार पाइबो माने करा जाओ गहम पाइ पकेलो एपटे अटा पाइलो माने करा जाओ चावल पकेलो शस्य पकेबो हां चावल पकेलो एपटे कोन पाइबो चावल पका दि धान पका दि त धान पकेबो एपटे चावल पाइलो त मेसिन किए देखो मेसिन होची ये अनु फंक्शन बोले हमें सही आवे फंक्शन गुटे फ्रेम का गुटे मेसिन जहाँ भी करा हमें जो बड़े गुटे वेरिएबल टे पकाती बा जो बड़े गुटे डोमेन टे पकाती मैथमेटिक्स रे पड़ीबो तो सही अनुसार हमें रिजल्ट टे प
पांदी किंतु जोडा पके पाइबे ताको पके हबो कि हबोनी तो जति को त्रिकोणमितीय फंक्शन गोटे माने कर जो साइन बोली तो से एमिति गोटे त्रिकोणमितीय फंक्शन ये जे गोटे सस्यर मशीन थिला जोडा कि केवल सस्य मान को नोला त त्रिकोणमितीय फंक्शन गोटे एमिति फंक्शन जोडा कि कोन नबो ना एंगल को सब बेले निए साइन थीटा हो कॉस ए हो बा कॉस बी हो एकरे जो एटा जो आर्गुमेंट आछे से आर्गुमेंट ता सब बेले गोटे एंगल को शो करे कोन को शो करे एंगल अरे एंगल तो निजे गुटे डायमेंशन लेस क्वांटिटी ता सहित ये पूरा फंक्शन ता रहने ये कोन आसीबो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बुझेला माने तो गुटे त्रिकोणमितीय फंक्शन की डायमेंशन लेस क्वांटिटी गुटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लो भी डायमेंशन न था ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी सारे एक्सपोनेंशियल माने कोन बुझिबा x टाइप की कोन अरे पूरा रा डायमेंशन नाही माने एक टा कि जे भी तारा आर्गुमेंट थी वो कंप्लीटली डायमेंशनलेस बोली बुझिबा ई कोन ई बुझाय को एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कोन को बुझाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ई बुझाय तो ई जदी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बुझाय ई ऊपर जो आर्गुमेंट अछि से आर्गुमेंट का भी सब बेले पाई डायमेंशनलेस होत बुझियाला कोले जे भी आर्गुमेंट होइबो से आर्गुमेंट रो डायमेंशन फार्मूला आसीबो नाही सेक्टर त्रिकोणमितीय